यूनिक चिकन भैया बनाना एक भैया। आपकी यहाँ के सबसे फेमस कौन सी है भैया? हमारे यहाँ की तो यूनिक चिकन की है जो बेस्ट से बेस्ट है। अच्छा, मॉकटेल में अलग अलग फ्लेवर होते हैं और उसके के प्राइस है। अच्छा अच्छा, जो यूनिक चिकन की है वो 30 की। मेन प्रोडक्ट जो हमारा है वो यूनिक चिकन की है। यूनिक चिकन एक खुद की बनाई हुई है। एक यूनिक चिकन जी कर दो और एक मॉकटेल। एक मॉकटेल उस दिन हम आए थे तो हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन आज हम फुल वीडियो बनाने के लिए आए हैं। देखिए यूनिक चिकन जी है जो कि ये बेगमपुरा रोड है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो यूनिक चिकन जी है 250 ml में ग्रीन एप्पल वर्जन मोजिटो लेमन आइस टी। क्या बोल रहे भैया? 350 ml। ये जो ये रोड है ये कंझौला वाला रोड है, और यहाँ पर बैक साइड पे देखेंगे तो ये जो है ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, और इसके पीछे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। जैसे ये मेन चौक है यहाँ का, आगे की तरफ देखेंगे ये मेन चौक है, यहाँ से आप मुड़ते ही इस तरफ आ जाएंगे और वो सामने बेगमपुर का पुलिस स्टेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप क्या लोगे मैडम? क्या पियोगे? आपने डाला इसका नाम क्या था? इसमें जो डाला हाँ। वो हमारे खुद का फ्लेवर है। अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप ऐसा करो, एक यूनिक वाला और एक फ्लेवर वाला, जैसे लेमन आइस पी है या फोर्टन मूवी को पीच बना के। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कलर देखिए कितना अच्छा है। इसमें हम नींबू डालेंगे। ये यूनिक चिकन जी के लिए है। यूनिक चिकन जी के लिए यूनिक चिकन जी में मसाले डालते हैं, बाकी जो मॉकटेल होते हैं उसमें मसाले नहीं डालते। अच्छा अच्छा, इसमें सोडा और स्प्राइट यूज करते हैं। ये स्प्राइट है और ये हैवर्स का 5000 सोडा है। इसमें मैंने डाल रखा है एक पहले से। क्या डाला? एक डाल रखा है, लेवर लेवर सब कुछ डाल रखा है। ये आपको बन चुका है। भैया पीच है, ये हमारी यूनिक चिकन जी बनने जा रही है। फ्रेश लेमन होती है। ये क्या भैया? ये हमारा सिरप है, ये हमारी अपनी रेसिपी है। 12 मसाले से बनी हुई है सर, इसमें आधे मसाले इसमें डले होते हैं हमारी रेसिपी में, आधे मसाले हम ये वाली यूज करते हैं।
और ये हमारी यूनिक शिकंजी है जो हमें मिल चुकी है, यहाँ पे हमने बना लिया है। ज़रा भैया से पूछते हैं कि भैया कैसा लगा आपको, कैसा लगा वीडियो? बहुत बढ़िया लगा आपको? जैसे भैया ने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है और भैया को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।